इन साइकेट्री लेट्स डिस्कस द साइकोटिक डिसऑर्डर्स। इसमें हम मेन साइजोफ्रेनिया के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। वैसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है हमेशा साइजोफ्रेनिया नहीं होता है और सिम्टम्स रूटीनली नहीं देखे जाते सोसाइटी में। ऐसे सिम्टम्स अगर देखे जाए किसी पर्सन में तो उसको साइकोटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं। देन कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसके साइकोटिक डिसऑर्डर्स के? एक तो जजमेंट लॉस हो जाता है, सेकेंड इनसाइट का लैक हो जाता है, देन थर्ड है डिटेरिएटिंग या चेंजिंग पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी चेंज होने लगती है। देन फोर्थ है कॉन्टैक्ट लूज हो जाता है रियलिटी के साथ, यानी कि इमेजिनरी टॉक्स होने लगती है। देन इलनेस को एक्सेप्ट नहीं करता है पेशेंट एंड डॉक्टर को मिलने से भी मना करता है। एंड साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं? ये हेल्प करता है डायग्नोसिस में। फर्स्ट होते हैं डिल्यूशंस, सेकेंड हेलोसिनेशंस होते हैं, थर्ड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होता है, तो ये अनयूजुअल बिहेवियर होता है जो कि यूजुअली सोसाइटी में नहीं देखा जाता है। देन फोर्थ फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होता है, ये इनकम्प्रिहेंसिबल होता है यानी कि डिसकनेक्टेड थॉट प्रोसेस होता है जो कि देखा जाता है उस पर्सन में। फिफ्थ कैटेटोनिया होता है। देन सिक्स टॉकिंग और मटरिंग टू सेल्फ, मतलब पर्सन खुद से बातें करता है एंड बड़बड़ाता है एंड इवन वो स्माइल करता है अपने आप पे। देन सेवन्थ पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं, तो विड्रॉल या अग्रेशन आता है, इस तरीके के चेंजेस आते हैं। नाउ टाइप्स क्या होते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर्स के? फर्स्ट होता है प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक सिम्टम्स इसमें सडन ऑनसेट के साथ आते हैं, अचानक से आते हैं, और अदरवाइज ये नॉर्मल इंडिविजुअल होता है। मतलब कि नॉर्मल इंडिविजुअल में अचानक से अगर साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं तो वो प्राइमरी साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। इसका एग्जाम्पल है साइजोफ्रेनिया। एंड देन होता है सेकेंडरी साइकोटिक डिसऑर्डर, तो इसमें साइकोटिक सिम्टम्स ऑलरेडी डिप्रेस्ड एंड सैड पर्सन में आते हैं, और इसको मूड कॉन्ग्रुएंट साइकोटिक सिम्टम भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है ऑडिटरी हेलोसिनेशंस डिप्रेस्ड पर्सन में अगर आते हैं तो। देन टाइमलाइन क्या होती है साइकोटिक डिसऑर्डर्स की? तो ICD-11 दैट इज इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 11 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस के अकॉर्डिंग उसने अलग अलग क्लासीफाई किया है। एंड DSM-5 दैट इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग एक अलग क्लासिफिकेशन है, सो वो साथ में देखते हैं। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस लेस देन 1 मंथ का है तो ICD-11 के अकॉर्डिंग वो एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर होगा, दैट इज़ ATP, जबकि DSM-5 के अकॉर्डिंग होगा वो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। देन अगर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ग्रेटर देन 1 मंथ का है तो ICD-11 के अकॉर्डिंग वो साइजोफ्रेनिया होगा। देन ड्यूरेशन ऑफ इलनेस अगर 1 to 6 मंथ्स का है तो DSM-5 के अकॉर्डिंग वो साइजोफ्रेनिफॉर्म इलनेस होगा। एंड अगर ड्यूरेशन ऑफ इलनेस ग्रेटर देन 6 मंथ्स है तो DSM-5 के अकॉर्डिंग वो साइजोफ्रेनिया होगा। तो DSM-5 जो है वो ग्रेटर देन 6 मंथ्स में साइजोफ्रेनिया मान रहा है, जबकि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस अगर ग्रेटर देन 1 मंथ होता है तो ICD-11 के अकॉर्डिंग वो साइजोफ्रेनिया हो जाता है। सो साइजोफ्रेनिया के बारे में देखते हैं। साइजोफ्रेनिया जो टर्म है वो कॉइन किया था यूजिन ब्लूअर ने, एंड उसने डिस्क्राइब किया था 4 A's को साइजोफ्रेनिया को डायग्नोज करने के लिए। तो उसमें क्या है 4 A's? फर्स्ट है ऑटिज्म, सो ये सोशल विड्रॉल होता है या बीइंग अलोन, अकेले रहना वो चीज़ होता है। देन सेकेंड एम्बिवेलेंस होता है, तो ये डिसाइड करने की इनएबिलिटी होती है, वो एक साइन है। देन थर्ड अफेक्टिव फ्लैटनिंग होती है, तो इसमें कोई इमोशन नहीं शो करता है पेशेंट। देन फोर्थ है एसोसिएटेड लॉस या लूजनिंग हो जाती है एसोसिएशन की, सो थॉट प्रोसेस जो है वो लूज्ड हो जाता है। एंड इसमें डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच आ जाती है उसकी वजह से, या फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स को हम बोल सकते हैं। देन ऑडिटरी हेलोसिनेशंस एंड ऑटोमेटिज्म जो है वो 4 A's के पार्ट नहीं होते हैं। ऑटोमेटिज्म जो है वो देखा जाता है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में, एंड लिप स्मैकिंग क्लोथ पिकिंग बिहेवियर्स ये भी उसी में देखे जाते हैं। देन इमाइल क्रैपिन के अकॉर्डिंग उसने डिस्क्राइब किया था मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस को, दैट इज़ MDP, जिसको अब बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है, और उसमें प्रोग्नोसिस अच्छा आता है और ये एपिसोडिक नेचर का होता है। देन सेकेंड डिमेंशिया प्रेकॉक्सिक होता है, जिसको अभी साइजोफ्रेनिया बोला जाता है, इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है, साथ में क्रोनिक कोर्स भी होता है।
एंड ये सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव डिक्लाइन के साथ रहता है। इन पेशेंट्स में डिमेंशिया भी जल्दी आता है। देन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या होते हैं साइजोफ्रेनिक पेशेंट्स के? तो कर्ट स्नीडर ने डिस्क्राइब किए थे 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स। इनको पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ साइजोफ्रेनिया बोला जाता है और ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। इसमें इंक्लूड होते हैं 3 ऑडिटरी हेलोसिनेशंस, नेक्स्ट 3 मेड फिनोमिना इंक्लूड होते हैं, नेक्स्ट 3 थॉट फिनोमिना इंक्लूड होते हैं, तो 9 हो गए। देन 2 और रहेंगे तो सोमैटिक पैसिविटी होता है एंड प्राइमरी डिल्यूशनल एक्सपीरियंस होता है। सो 3 ऑडिटरी हेलोसिनेशंस में फर्स्ट आता है फर्स्ट पर्सन ऑडिटरी हेलोसिनेशंस, जिसमें वो थॉट ईगो भी बोला जाता है या थॉट सोनराइजेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट के खुद के थॉट्स उसको सुनाई देते हैं जोर जोर से। देन सेकेंड जो होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, उसमें सेकेंड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आते हैं। इसमें क्या होता है कि वॉइसेस जो है वो डायरेक्टली पेशेंट से बातें करती हैं, तो उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो उससे बात कर रही होती हैं। और ये 2 टाइप का होता है, एक तो कमेंट्री टाइप होता है और दूसरा कमांडिंग टाइप होता है। तो कमेंटेटिंग टाइप में क्या होता है कि वॉइसेस जो उसको सुनाई दे रही होती है वो उसके एक्शंस को कमेंट कर रही होती है जो भी वो कर रहा होता है। एंड दूसरी कमांडिंग टाइप होती है, तो उसमें पेशेंट जो है उस कमांड के अकॉर्डिंग एक्ट करता है जो उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो इसकी वजह से वो दूसरे पेशेंट्स के लिए खतरा बन जाता है और दूसरे लोगों के लिए भी। देन थर्ड होता है थर्ड ऑडिटरी हेलुसिनेशंस में आएगा थर्ड पर्सन ऑडिटरी हेलुसिनेशंस। तो इसमें वॉइसेस जो है डायरेक्टली पेशेंट को बातें नहीं करती पेशेंट से, जबकि उसको मल्टीपल वॉइसेस सुनाई देती है, बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती है जो डिस्कस कर रही होती है या आर्ग्यू कर रही होती है या बातें कर रही होती है आपस में पेशेंट के बारे में। देन नेक्स्ट होता है 3 मेड फिनोमिना। तो इसमें फर्स्ट मेड इम्पल्स होता है, सेकेंड मेड वॉलिशन होता है एंड थर्ड मेड इफेक्ट अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट मेड इम्पल्स में क्या होता है, कोई पेशेंट को ये बोल रहा होता है जिसकी वजह से पेशेंट इम्पल्सिव हो रहा होता है, कोई पेशेंट को इम्पल्सिव बना रहा होता है एक्चुअली, तो ब्रीफ एक्ट वो करता है। और तो इसका एग्जांपल है कि पेशेंट ये बोलता है कि उसने दूसरे पर्सन को मार दिया क्योंकि किसी और ने उससे ये कराया बल्कि वो ये करना नहीं चाहता था। देन मेड वॉलिशन होता है सेकेंड मेड फिनोमिना में। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लान्ड बिहेवियर होता है पेशेंट का और वो कहता है कि किसी और ने उससे ये कराया है। तो इसका एग्जांपल ये है कि कोई पेशेंट फ़ोन को ब्रेक करने के बजाय सिर्फ डायरेक्टली उसको ग्राउंड पे फेंक कर उसको ब्रेक करने की बजाय वो हर एक पार्ट को निकालेगा फ़ोन के और उसके बाद फिर ग्राउंड पे फेंकेगा। देन नेक्स्ट मेड फिनोमिना जो होता है मेड अफेक्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई पेशेंट को एक पर्टिकुलर वे में फील कराता है। तो इसका एग्जांपल है कि पेशेंट जॉय में जंप करता है, एकदम से खुशी से झूमता है और कहता है कि किसी और ने उसको ऐसा फील कराया है इसकी वजह से वो खुश है। देन 3 थॉट फिनोमिना होता है नेक्स्ट। तो इसमें क्या क्या होता है, थॉट इंसर्शन होता है एक, दूसरा थॉट विड्रॉल होता है एंड तीसरा थॉट ब्रॉडकास्ट होता है। सो फर्स्ट थॉट इंसर्शन में क्या होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि कोई और उसमें किसी चीज़ के थॉट्स को डाल रहा है, किसी और चीज़ के थॉट्स को। देन नेक्स्ट थॉट विड्रॉल होता है, तो इसमें पेशेंट को लगता है कि कोई उससे किसी चीज़ के थॉट को ले रहा है, तो उसकी वजह से उसमें वो चीज़ के थॉट्स नहीं आ रहे हैं। देन थर्ड होता है थॉट ब्रॉडकास्ट। तो ये इसमें पेशेंट को फील होता है कि दुनिया में हर कोई ये जानता है कि वो क्या सोच रहा है। नाउ नेक्स्ट सोमैटिक पैसिविटी या डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल होता है। तो सोमा मीन्स बॉडी है एंड पैसिविटी मीन्स अंडर एक्सटर्नल कंट्रोल है। सो पेशेंट को ये फील होता है कि कोई और रेस्पॉन्सिबल है उसके बॉडी मूवमेंट्स के लिए या फिर फिजिकल सिम्टम्स के लिए, जैसे कि कफ, हेडेक, ये सब के लिए। देन नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है सोमैटिक पैसिविटी का, कि पेशेंट को ये कहता है कि वो कफ कर रहा है क्योंकि इंफ्रारेड रेज जो है
वो छोड़ दी गई टेररिस्ट के द्वारा, तो टेररिस्ट जिन पर रेस छोड़ के चले गए, इसलिए उसके कफ हो रहा था, ऐसा कहता है इस तरीके का। नाउ नेक्स्ट है प्राइमरी डिल्यूशनल एक्सपीरियंसेस। सो इसके 11th फर्स्ट रैंक सिम्टम है प्राइमरी डिल्यूशनल एक्सपीरियंसेस। तो इसमें क्या आएंगे, कुछ प्राइमरी साइकोटिक सिम्टम्स या प्राइमरी डिल्यूशंस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट है डिल्यूशनल आइडिया। सो पेशेंट स्ट्रांगली कन्विंस्ड होता है किसी फॉल्स आइडिया के बारे में, और उसको वैसे कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी नहीं मानता। देन सेकेंड डिल्यूशनल मेमोरी होती है, तो पेशेंट एक फॉल्स मेमोरी में बिलीव करता है किसी चीज़ की जो कभी हुआ ही नहीं रहता है। देन थर्ड डिल्यूशनल मूड है, तो उसको एक वेग फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग आती है कि कुछ होने वाला है। देन फोर्थ डिल्यूशनल परसेप्शन है, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट कुछ देखता है और बिलीव करता है कि उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न था या मीनिंग था, उससे जो लिंक्ड था, उस वजह से उसको वो चीज़ दिखी। तो ये सारे 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स होते हैं साइजोफ्रेनिया के। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे साइजोफ्रेनिया को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।